हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की ओर। देख रहे हैं मेरा अस्तर वाला सादा ब्लाउज है। पहले मैं इसको अस्तर अटैच करके आपको दिखाएंगे। देखिए मैं कच्चा सिलाई लगाएंगे हम, देख रहे हैं इस तरह से आपको सिलाई लगाते जाना है फ्रेंड्स। बहुत ही आसान तरीका है, आप 20 मिनट में इसमें पूरा सीख जाएंगे फ्रेंड्स। वीडियो को आगे पीछे करके देखिए फ्रेंड्स। इस तरह से पहले अस्तर का अटैच कर लीजिए फ्रेंड्स। मेरा इस तरह का वीडियो और भी देखने के लिए मेरा चैनल पर लग रहे हैं फ्रेंड्स, और कमेंट तो करते रहिए फ्रेंड्स कि आपको कहाँ कहाँ पर दिक्कत हो रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा आपका हर एक कहाँ कहाँ दिक्कत हो रहा है उसी का हम लाएंगे आपको समाधान लेकर फ्रेंड्स। देख रहे हैं मैं अस्तर टच कर रहा हूँ किस तरह से। पहले नाप लेना है गला आपका कितना है, इसी तरह आपको सिलाई लगाते जाना है। बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स। आप अगर सिलाई को अच्छे तरह से सीखना चाहते हैं तो मेरा वीएपी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन ऑल करके रखें, और कमेंट तो करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। फिर हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे पूरा, वो आपको दिखा देंगे हम। ये देखिए आगे का पल्ला है सादा ब्लाउज का, मार्किंग किया हुआ है। पहले इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे, दो भाग में कर लेंगे। अब देखिए अस्तर को भी हम दो हिस्से में कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है आपको, हम मेन कपड़ा अस्तर को हम कपड़ा के हिसाब से कटें, क्योंकि इसमें अच्छी कटिंग होता है फ्रेंड्स, इसमें एक सूत भी इधर उधर नहीं होता है। इसलिए हम कपड़ा को नहीं पहले अस्तर को काटते हैं, फिर बाद में जब हम इसको लेवल करके काटते हैं तो हिसाब एक ही होता है फ्रेंड्स। आप चाहें तो पहले कपड़ा भी काट सकते हैं। देखिए इस तरह से मेरा अटैच हो गया, हम इसको पूरा काटिंग कर लेंगे। अब देख रहे हैं फ्रेंड्स, आपको हम संक्षिप्त में दिखा रहे हैं, उतना आपको नहीं दिखाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स। इसलिए हम हो गया, अब दिखाएंगे बाजू को। बाजू को किस तरह से आपको पक्का करना है देखिए फ्रेंड्स। पहले हम एक सिलाई लगाएंगे सीधा साइड, दोनों सीधा साइड को हम अंदर की ओर करेंगे, और इस तरह से दोनों उल्टा साइड को हम ऊपर की ओर कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हो गया। अब हम इसको इस तरह से एक और सिलाई लगाएंगे, इसमें हम पक्का करेंगे इसलिए फ्रेंड्स। देखिए हो रहा है मेरा। अब इसमें हम इस तरह से एक और सिलाई लगाएंगे, पूरा बाजू में हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कहीं भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं फ्रेंड्स, इस तरह सब सिलाई लगाते जाइए। हो रहा है मेरा फ्रेंड्स, हो गया। दूसरा मैं बना कर रखे हैं आपको समय बचाते हुए। देखिए फ्रेंड्स अब क्या करना है आपको, जो मेरा मार्किंग किया है पहले कटिंग करते समय आपको दिखाए हैं, वीडियो भी देख लीजिएगा, उसका भी वीडियो में अपलोड करके रखे हैं कटिंग, और इसके स्टिचिंग हम लाए हैं दूसरे वीडियो में। तो फ्रेंड्स इसको हाफ इंच का आपको सिलाई लगाते जाना है, जहाँ मार्क है वहाँ तक। चार हम मार्क किया हुआ है पहले से, अब उसी मार्क को आप सिलाई लगाते जाइए फ्रेंड्स। बहुत ही ईजी है ये सादा ब्लाउज बनाना, अगर आप सीखना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए, आगे पीछे करके देखिए फ्रेंड्स। कहाँ दिक्कत हो रहा है मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपका हर एक सवाल का जवाब लेकर आऊँगा सर दूसरे वीडियो में। इसलिए मेरा वीडियो को पूरा देखिए, पूरा वॉच कीजिए। अगर समझने में दिक्कत हो रहा है तो पीछे करके फिर से देखिए फ्रेंड्स। हो गया, इस तरह से मेरा लुक कितना अच्छे से आ रहा है देखिए, कितना फिटिंग बैठेगा फ्रेंड्स, कितनी ईजीली है। पहले हम बना कर रखे हैं इसको, दूसरा भी हम बना कर रखे हैं, एक आपको दिखा रहे हैं सेम इसी तरह ही होगा। उल्टा साइड इस तरफ है देखिए, इस तरह होगा, सीधी साइड देख रहे हैं। अब इसको हम कटिंग करेंगे, इसमें हम होंक लगाएंगे, ये होंक वाला है इसलिए। अब देख रहे हैं इसमें हम अस्तर भी अटैच करेंगे, क्योंकि इसमें अस्तर अटैच करने से होगा क्या कि
कि ज़्यादा मोटा होगा ही तो इसमें टिकेगा ज़्यादा, इसलिए बैठेगा, बनाने में भी अच्छा लगेगा, नहीं तो पतला हो जाएगा, थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा फ्रेंड्स। इसलिए इस तरह से आपको अस्तर टच कर लीजिए मोटा करने के लिए। अगर आपका कपड़ा मोटा है तो अस्तर मत लगाइए, फिर भी चलेगा। इसमें आप लेस भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स, आपका मर्जी। देखिए हम इसमें हुक पट्टी कर रहे हैं, इस तरह से आपको सिलाई लगाते जाना है। उल्टे साइड में इस तरह से कपड़े को रखिए और सिलाई कर दिए, एक पैर का मार्जिन छोड़कर, और एक किनारे किनारे सिलाई लगा लीजिए फ्रेंड्स। हो गया, अब आपको कपड़ा को कटिंग कर लीजिए और इस तरह से आपको सिलाई कर लेना है फ्रेंड्स। देखिए फिर से दिखा रहे हैं, इस तरह से आपको सिलाई कर लेना है। ये मेरा बाई साइड का पल्ला है फ्रेंड्स, इसमें हम हुक का घाट बना रहे हैं। अब दूसरी जिसमें हम हुक लगाएंगे, देखिए इसमें सिर्फ अस्तर से आपको बनाना होगा, इसमें कपड़ा नहीं लगेगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये अंदर की साइड चला जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स देखिए देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से कर लीजिए, रात का अभी 1:30 बज रहा है फ्रेंड्स, फिर भी आप लोगों के लिए मैं कितना कष्ट के साथ वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड्स। अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट करना तो मत भूलिएगा फ्रेंड्स। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए फ्रेंड्स ये है, इसमें हम हुक अटैच करेंगे, ये मेरा दाहिना पल्ला है, देख रहे फ्रेंड्स दोनों पल्ला हो गया मेरा दायां और बायां। अब हम पीछे का पल्ला को हम उठाएंगे, अब देखिए इसमें हम अब इस तरह से पल्ला को हम लगा लेंगे कंधे में। आप कंधे को इसमें 1/2 इंच छोड़कर सिलाई लगा लेना है, दोनों कंधे को हम इस तरह से कर लेंगे आगे पल्ले को अटैच करते हुए। देखिए फ्रेंड्स मेरा हो गया। अब पीछे साइड में आप टेकिंग लगा लीजिए, मार्किंग किया हुआ है फ्रेंड्स, कटिंग करते समय आपको दिखाए थे हम। अगर उस वाला वीडियो नहीं देखे हैं कटिंग वाला, तो आप कटिंग वाला वीडियो भी देख लीजिए। सेम इसी प्रोसेस से फ्रेंड्स प्रिंसेस कट का भी ब्लाउज़ होता है, अगर उसका भी वीडियो चाहिए फ्रेंड्स तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर किसी का भी कटिंग चाहिए आपको फ्रेंड्स आप लोगों को, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछिए, उसके कटिंग लेकर मैं दूसरे वीडियो में आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से आपको करना है, देखिए हम किस तरह से हम मिला रहे हैं फ्रेंड्स, इस तरह से आपको भी करना है। देखिए हो रहा है मेरा मार्किंग किया हुआ है, मार्क पर आपको सिलाई लगाते जाना है। हो गया मेरा फ्रेंड्स, अब दूसरी साइड सेम उसी तरह आपको कुटका से कुटका मिला लेना है और सिलाई लगाते जाना है। अब आपको क्या करना है, जहाँ मेरा कुटका लगा हुआ है उसको आपको कपड़ा से जो हम हुक का घाट बनाएंगे वहाँ से हम मिला लेंगे। अब देखिए मैं कमर को नापेंगे, 32 है मेरा कमर, तो 32 आ रहा है। अब हम बाजू में लेस अटैच करेंगे फ्रेंड्स, वो तो आपको आता ही होगा, फिर भी हम आपको थोड़ा संक्षिप्त में दिखा रहे हैं आपका समय बचाते हुए फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स मैंने बना लिए हैं, अब आपको बाजू का जितना मोहरी है वो कर लेना है, मेरा तो 6.25 इंच है मोहरी, तो
तो पौने छः इंच पर आपको मार्क लगा लेना है। पौने छः इंच पर हम मार्क को अब पीछे में जो मेरा कुटका है वहाँ तक हम मिला लेंगे। पहले हम कटिंग करते समय पहले आपको दिखाए थे, समझाए थे फ्रेंड्स, नहीं दिखे हैं तो वीडियो को मेरा देख लीजिए। दूसरे बाजू भी मैं उसी तरह पौने छः इंच मिला लिया। देखिए फ्रेंड्स, और भी मेरा कारीगर लोग रात को 1:30 बजे काम कर रहे हैं फ्रेंड्स। अब हम गला पट्टी हम निकाल रहे हैं, देखिए फ्रेंड्स किस से ओवर में हम कपड़ा निकाल रहे हैं। इस तरह से आपको इसमें कपड़ा बैठेगा फ्रेंड्स। और हम अस्तर को हम कटिंग कर रहे हैं, कपड़े को नहीं, क्योंकि ये अंदर साइड चला जाएगा, इसलिए लगभग 1.5 इंच आपको कटिंग कर लेना है। अब इस तरह से आपको जोड़ देना है, तीसरा भी आपको जोड़ देना है इसी तरह सेम। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है फ्रेंड्स। अगर आप लोग अच्छे लगे तो कमेंट कीजिए, दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, कोई भी सवाल हो, अगर सवाल नहीं भी हो तो फिर भी कुछ भी लिख दीजिए कमेंट में, उसमें हम लोगों को हौसला मिलता है वीडियो और भी बनाने के लिए फ्रेंड्स। इस तरह से आप मिला लीजिए और इसको अच्छे से कटिंग कर लीजिए। और कटिंग करने के बाद आपको गला पट्टी जो मैंने 1.5 इंच करके कटी थे उसको हम इस तरह से अटैच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको अटैच करना है, पूरा सिलाई लगाते जाना है इसी तरह फ्रेंड्स। हम थोड़ा स्पीड में आपको दिखाएंगे, अगर समझने में दिक्कत हो फ्रेंड्स, हम बार बार एक ही बात बोल रहे हैं क्योंकि हम आपको सिखाना चाहते हैं फ्रेंड्स। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरा को कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, अगर कहाँ दिक्कत हो रहा है, मैं फिर इसी वीडियो को आपको इसी तरह का ब्लाउज दूसरे वीडियो में ला कर देंगे। अगर स्लोली देखना चाहते हैं तो हम स्लोली दिखाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आज समय बहुत कीमती है, इसलिए ज़्यादा अगर टाइम का वीडियो हो गया तो कोई नहीं दिखता फ्रेंड्स। इस तरह से आपको नारा लगा लेना है, मैंने पहले ही ऊपर से कंधे से ऊपर से 2.5 इंच नीचे की ओर लगाए थे, इस तरह से हो गया। अब किनारे किनारे भी एक सिलाई लगा सकते हैं, अस्तर में नहीं भी लगा सकते हैं, हो गया। इस तरह से कुटका लगाने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से मोड़ना है। मोड़ने के बाद आपको सिलाई लगाते जाना है, इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। कंधे हो रहा है फ्रेंड्स, ये मटका गला हम बनाए कटिंग करते समय आपको दिखाए थे, हो गया फ्रेंड्स। अब हम बाजू को अटैच करेंगे, देख रहे हैं फ्रेंड्स, देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये दायां हाथ हम पहले दायां बाजू को हम पहले लगा रहे हैं। अब बायां भी लगा सकते हैं, आप कोई भी लगा सकते हैं, मेन बात ये होता है फ्रेंड्स कि बाजू को अटैच करना ही। अगर सीख गए आप तो पूरा ब्लाउज बनाना आ जाएगा फ्रेंड्स। सेम प्रोसेस सेम नियम है फ्रेंड्स, और भी ब्लाउज का नियम भी सेम है, प्रिंसेस कट जो भी है, लहंगा डिज़ाइन आप कुछ भी कर सकते हैं इसमें, सेम प्रोसेस है फ्रेंड्स। अगर आप प्रिंसेस कट भी ब्लाउज भी देखना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट कीजिए, फेसबुक में जा सकते हैं आप, फेसबुक से आप व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ से VIP नाम पर आप सर्च करेंगे तो उसमें मिल जाएगा फ्रेंड्स। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और मेरा फेसबुक पेज को भी लाइक करके रखें फ्रेंड्स।
देख रहे हैं फ्रेंड्स, पहले इस तरह से आपको सीधा कर देना है, कपड़ा को कटिंग कर लेना है। देखिए मिला लीजिए, और भी कारीगर लोग काम कर रहे हैं फ्रेंड्स, आपको दिखता होगा। रात का करीब 1:45 बज रहा है फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है फ्रेंड्स। अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें हम लोग एक परिवार हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स हो गया, इसमें हम हैंडवर्क करेंगे, इसलिए इसमें एक अच्छा सिलाई लगाएंगे, बाद में इसको खोल देंगे फ्रेंड्स, जब हम इसमें हैंडवर्क या हाथ का काम कर लेंगे, जो भी आप समझो। कंधे में भी हम हैंडवर्क करेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आपको सिलाई लगाते जाना है, जो फॉल सिलाई है मेरा, इसको हम बाद में खोल देंगे। देखिए और भी कारीगर है मेरा, इस साइड भी है कारीगर। देखिए फ्रेंड्स आपको किस चीज़ का कटिंग चाहिए, स्टिचिंग चाहिए, आपको आप कमेंट सेक्शन में पूछिए फ्रेंड्स। देखिए मेरा हो गया क्लियर। अब हम नारा को कटिंग करेंगे, जो 22 इंच कटिंग करेंगे, और उसमें हम फुल अटैच करेंगे तो 23 या 23.5 इंच टिक जाएगा मेरा। देखिए 22 इंच हम कटिंग कर लिए, अब इसमें हम फुल लगाएंगे फ्रेंड्स, जो 2.5 इंच चौड़ाई पर हम कटिंग कर लिए। अब इसमें हम देखिए इस तरह से आपको आता होगा, देखिए हो गया, दोनों को हम कर लिए। अब इसको हम को दिखा देंगे इस तरह से फ्रेंड्स, हो गया। इस तरह का और भी वीडियो देखने के लिए कौन सा वीडियो चाहिए आपको, कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छे लगे तो और भी वीडियो देखिए, और कौन सा वीडियो आपको चाहिए वो भी कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। देखिए कितना सुंदर लुक, पीछे साइड भी देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।